भारतीय जनता पार्टी को हाल ही में गुजरात में तगड़ा झटका लगा है। गुजरात के मुख्यमंत्री और पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन रूपाणी के इस्तीफे की आग मध्य प्रदेश तक सुलग रही है। दरअसल रूपाणी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर तंज कसा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट के माध्यम से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलने की बात कही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दिया। 5 महीने में 5 मुख्यमंत्री बदलने के बाद अगला नंबर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अगले ट्वीट में लिखा कि मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बदलो। वहीं कमलनाथ के मीडिया संयोजक नरेंद्र सलूजा ने ट्विटर पर ऐलान किया कि एमपी को नए मुख्यमंत्री मिलने की बात तक कह डाली। सलूजा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तराखंड कर्नाटक के बाद अब गुजरात के सीएम का भी लिया इस्तीफा, अगला नंबर अब मध्य प्रदेश का, जल्द ही प्रदेश को मिलेगा नया मुख्यमंत्री। बता दें कि विजय रूपाणी ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि मुख्यमंत्री के दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने अपने पद से इस्तीफा देकर संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करूंगा। पार्टी मुझे भी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे स्वीकार करूंगा। यह भी बता दें कि विजय रूपाणी 2016 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। रूपाणी ने 7 अगस्त 2016 को सीएम पद की शपथ ली थी।